जो भी आप इस वीडियो में देखेंगे वो बच्चे लोग के लिए नहीं है, तो बच्चे कृपया करके इस वीडियो से दूर रहिए। तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बेबलेड ड्रसील जी। तो ये जो है ये मैक्स का सेकेंड लास्ट बेबलेड है जो उसको जी रेवोल्यूशन के टाइम पे मिलता है। और इस बेबलेड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बेसिकली हर एक मैक्स के बेबलेड जैसा ही है। यहाँ पे जी मतलब ग्रेविटी है, तो बेसिकली ड्रसील एक डिफेंसिव टाइप बेबलेड है जो ग्रेविटी को यूज करके अपना डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इंक्रीज करता है। तो ये जो बेबलेड है इसका बैटल टाइसन के ड्रैगून जी के साथ हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक और ख़तरनाक बैटल था। तो इसके लिए ड्रसील जी काफ़ी फेमस है और इसके बारे में और भी थोड़ी फार इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताऊंगा। मतलब थोड़ी फार यूनिक चीज़ें हैं जो खाली ड्रसील जी में देखने मिलती है। तो ये बैक ऑफ द बॉक्स में आपको या उसका जो अटैक रिंग है वो मेटल डिस्क, फिर हमारा इंजन गियर और ये ब्लेड बेस और ये यहाँ पे बिट चिप है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं ड्रसील जी को। तो हमें बॉक्स में कोई लॉन्चर देखने नहीं मिलता क्योंकि ये बूस्टर बॉक्स है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम बॉक्स को रैप करके साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमें स्टिकर शीट देखने मिलती है। ड्रसील की स्टिकर शीट काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल ग्रीन के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स है तो अच्छे दिखते हैं, वरना टकारा टोमी कलर्स के मामले में काफ़ी ख़राब है कभी कभी, बट हाँ ड्रसील के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो चलिए बढ़ते हैं बेबलेड की ओर। तो यहाँ पे बेबलेड में हमें आपको अगर आप ये इसमें देखोगे तो आपको सबसे पहले तो ये अटैक रिंग देखने मिलता है। तो ये कोई इसको हैमर एट हैमर या ऐसे कुछ अटैक रिंग बोलते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कछुए का मुंह है, टॉर्टोइस, फोकस करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे। तो दो दो बेसिकली टॉर्टोइस है यहाँ पे और ओवरऑल ऐसे वो काम करता है। तो ये है अटैक रिंग। हम वेट डिस्क को भी बाहर निकाल लेते हैं और एक बिट चिप जरूरी है और ये टूल। तो टूल तो यार ओवरऑल सेम ही रहता है, सब टूल्स जेनेरिक ही होते हैं, इसमें कोई अलग बात होती नहीं है टूल्स में। ये देखो यहाँ पे तो मैंने फ्रेम ही तोड़ दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस फ्रेम का भी कुछ काम तो है नहीं। और यहाँ पे ये है ब्लेड बेस। तो ब्लेड बेस जो है वो ड्रसील का काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक छोटा सा एनीमे का क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस ब्लेड बेस के बारे में और जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आपने देखा एनीमे में ड्रसील जी का जो इंजन गियर है वो एक्चुअली टाइसन के अटैक के बाद रिलीज करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसी के लिए रियल लाइफ में ड्रसील जी का जो इंजन गियर है उसका जो ब्लेड बेस है वो हिट रिलीज ब्लेड बेस है। तो सामने वाला अपोनेंट जब तक इसको मतलब इम्पैक्ट नहीं देगा तब तक इसका इंजन गियर रिलीज नहीं होगा और ये काफी लेट भी रिलीज होता है। तो ओवरऑल सामने वाले का पूरा स्टैमिना ड्रेन करके फिर इसका इंजन गियर रिलीज होगा। सेकेंड खास बात है कि ड्रसील जी इकलौता बेबलेड है जी रेवोल्यूशन में जिसका ब्लेड बेस सॉरी जिसका इंजन गियर का जो टिप है वो एक्चुअली एक बॉल टिप है, वरना सारे के सारे हमारे मेटल सेमी फ्लैट ही थे और कुछ वेरिएशंस टकारा टोमी ने लाए नहीं थे, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लेड बेस इंसर्ट हो गया है और इंजन गियर ब्लेड बेस में इंसर्ट हो गया है। मैं स्टिकर्स लगाके वापस आता हूँ कुछ ही देर। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं असेंबली की ओर। स्टिकर्स लगाने के बाद ड्रसील बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो एक बार बेबलेड को असेंबल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट स्पिन या टेस्ट लॉन्च जो भी आप कहना चाहो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे बेबलेड असेंबल हो चुका है और ड्रसील बहुत ही ज्यादा मस्त दिखता है। ड्रसील जी एक्चुअली ओवरऑल काफी एक टर्टल शेप है उसमें। और चलिए बढ़ते हैं टेस्ट स्पिन की ओर। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ड्रसील का स्नाइपर ग्रिप यूज कर रहा हूं मैं लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये जो टैब्स है ये हमें बाहर खींचने पड़ते हैं और इनमें भी छोटे छोटे एक्चुअली मेटल बॉल्स है और मैंने ईजी को वाइंड कर लिया है, देखते ही एक्टिवेट होता है कि नहीं। 3 2 1
हो जाए शुरू। तो आप जैसे देख सकते हो ड्रेसील काफी प्रॉपर डिफेंसिव टाइप बेब्लेड है और यस इजी एक्टिवेट हो गया। काफी स्लो लॉन्च था इसके लिए इजीली इजी एक्टिवेट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।